बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक फाइन से अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको मैं अभी इसकी स्क्रीन शॉट भी दिखा देता हूँ मैं, और आप भाइयों को पढ़कर भी सुना देता हूँ मैं। ईद मुबारक है जी आपको। आज ईद यानी कि आपकी तो ख़त्म होने वाली है और हमारी सुबह से शुरू होने वाली है। तो दोबारा आपको फाइन कम तरह बता देता हूँ। आपकी ईद के दिनों में यानी कि अगर आज या सुबह आपका इरादा है मक्का मदीना या कहीं दोस्त अखबार आपको मिलने का, तो एहतियात कीजिएगा। और इसके अलावा ईद पर क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी बता भी देता हूँ मैं। उसके अलावा जो ट्रेलर ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर हैं उनको तो पता है कि फर्स्ट ट्रैक में चलना है, सेकंड ट्रैक में आपने क्रॉस के लिए जाना है, वरना आप सेकंड ट्रैक में या थर्ड ट्रैक में आप गाड़ी नहीं चला सकती हैं। इसके ऊपर आपको 48 घंटे की जेल है और साथ में फ़ाइन भी है। मैं खुद से अलबकेक शहर जो तमाम वाली साइड में आता है वहाँ पर 24 घंटे की जेल काट चुका हूँ खुद से, ट्रेलर के तौर पर नहीं। मैं एक और गाड़ी चला रखा था और वो शहर के अंदर घुसा दी बस, उन लोगों ने मुझे बोला कि परमिशन किधर है। तो बहरहाल ऐसे जेल हो जाती है। वहाँ पर मैंने देखा ट्रेलर बाहर, उन लोगों ने ट्रेलर भी बंद है और 48 घंटे के लिए बंदे भी बंद है। अभी ये जो न्यूज़ सामने आ रही है यहाँ पर आपको मैं इसकी स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये है कुछ यूँ जी कि आप यानी कि तीन ट्रैक बने हुए हैं, एक रोड के या चार ट्रैक बने हुए हैं। आप गाड़ी आपके पास, आप किसी भी ट्रैक में जा सकते हैं, बशर्ते कि आप पीछे वाला अगर हॉर्न लगा रखा है तो आप गाड़ी भाई नीचे करें, उसको रास्ता दें। आप किसी को क्रॉस करना चाहते हैं खुद से, तीन गाड़ियां जा रही हैं तीन ट्रैक में, आप अभी क्रॉस करना है तो आप इस वाली गाड़ी का, फर्स्ट ट्रैक वाली गाड़ी का भाई जो इंतजार करेंगे, जब वो गाड़ी को क्रॉस करेगा उसके पीछे ही आप क्रॉस करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो गाड़ी क्रॉस कर रही है, आप येलो लाइन जो होती है येलो लाइन के ऊपर घुस गए और वहां से क्रॉसिंग शुरू कर दिया। तो इस सूरत में जगह जगह पर आपको बताइए अभी कैमरे लगे हुए हैं, मरूर खड़े हुए हैं, खसूसी वाले घूम रखे हैं, खासकर मदीना एंड मक्का की तरफ आप सफर करते हैं। तो इस सूरत में आपको भाई रोक लिया जाएगा, किसी कैमरे में कैच होगा, किसी ने देख लिया या किसी सऊदी ने आपकी चाहे वीडियो ही क्यों ना बना ली, तो इसकी सूरत में आपको 2000 रियाल का फाइन भुगतना पड़ सकता है। एक्स का आपको पता है जी 900 या 1000 का फाइन है, लेकिन इस सूरत में आपको 2000 रियाल का फाइन भुगतना पड़ेगा। ईद के ऊपर इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा आदमी ना इंजॉय करता है, शोकी मारता है, तो ऐसी शोकी मत मारिएगा जिसके ऊपर 2000 का इंजेक्शन लग जाए।